एक तर्ज है। कौन सी कौन सी कौन सी बता रहे हैं, बता जल्दी बताओ, पब्लिक परेशान है, सब्र नहीं हो रहा। सुनेगा कुछ लोग तो 2 घंटा से कुर्सी ही बदल रहे हैं। सुनिएगा एक तर्ज बहुत चली बीच में, हालांकि दौड़ी हमने ही गाया और मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं गा रही हूँ। अंग लगा दे रे आए उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे ये तर्ज है कन्हैया लाल की कहानी बता रही हूँ। जितनी माताएं बहने बैठी हैं जरा सुनिएगा। एक बार की बात है, बांसुरी ने कन्हैया से कहा कि मैं चाहती हूं कि आप मुझे पूरे समय अपने साथ रखें। कन्हैया ने कहा कैसे रखूंगा, आपके अलावा भी मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो देखिए बंसी कह क्या रही है, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है, अगर आप हमको 8 पहर अपने साथ नहीं रख सकते तो इतना ही कर दीजिए, दोपहर लगा ले रे। शब्द देखिएगा, जितने कीर्तनकार बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग सम्मानित जन, शब्द सुनने में एक है लेकिन इसका मतलब अलग है। बंसी ने कहा 8 पैर नहीं ना सही, दोपहर लगा ले रे, दोपहर लगा ले रे, 8 ना सही 2 पहर ही लगा लीजिए और सुबह से 2 पहर तक लगा लीजिए। 2 पहर लगा ले रे, 2 पहर लगा ले रे, मांगू वर मेरे प्रियवर, मांगू वर मेरे प्रियवर, मोहे अधर लगा ले रे। वाह ताली ताली ताली, धन्यवाद है। मोहे अधर लगा ले रे, अपनी यानी अपने होठों से लगा ले, कहा बंसी ने, मांगू ये वर है जगदीश्वर नटवर नागर रे, मांगू ये वर है जगदीश्वर नटवर नागर रे, जाए सुधर ये जीवन गिरधर, जाए सुधर ये जीवन गिरधर, अधर लगा ले रे। सुन रहा था, कहने के लिए तो चक्र ने कहा, शंख ने कहा, पीतांबर ने कहा, पैर की पायल ने कहा, कान के कुंडल ने कहा, कमर की करधनी ने कहा, लेकिन
मोर पंख ने भी एक प्रार्थना कर दी कि प्रभु अष्ट प्रहर लगा ले रे, अष्ट प्रहर लगा ले रे, ना गले लगू ना चरण लगू, देखिएगा ना गले लगू ना चरण लगू, मोहे सर पे लगा ले मोहे मुकुट पे सजा ले, बोलिए कन्हैया लाल की जय। हेलो, मैं पद्मिनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अभी आपने आदरणीय पद्मा शर्मा जी को सुना, बहुत ही अच्छा गीत गाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसा कि अभी आदेश हुआ है आदरणीय पवन वाजपेयी मामा जी की तरफ से कि 35-35 मिनट दोनों ही कलाकारों को दिए जाएंगे, आपको अपना गीत, सामने वाले के गीत का जवाब और अपना कट पीस, ये सब काम 35 मिनट में करना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चार पंक्तियाँ सभी माताएं बहनों को सुनाना चाहूंगी, और अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो, अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो। हेलो जी, हेलो, हेलो जी, हेलो, 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 हेलो जी, हेलो, सुना है आप सभी लोगों, हाँ हाँ सुना, देखा भी, हाँ बहुत ही सुंदर चक्र, बहुत ही सुंदर जवाब, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सवाल, हाँ बहुत बहुत कलेजे के मजबूत आदमी देखे। अरे जिंदगी उधर जाके कलेजा सेक लेना, हाँ ठंड लग जाएगी कलेजे में। जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, चिल्लुघार मचाया आया हो, मेरे साथ सुथरा काम करो, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती है, जिंदगी, हाँ जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती है, जय जय जय। अरे गुनाह गुनाह तो कराती है इंसान की मजबूरियां, ये जिंदगी कभी भी गुनहगार नहीं होती है, क्या बात है बेटे, मेन माइक का, माइक मेन का, क्योंकि ये जिंदगी जब आपको रुलाने लगे, ये जिंदगी, ये जिंदगी जब आपको रुलाने लगे,
इतना मुस्कुराए कि दर्द भी शर्माने लगे। अरे निकले ना आंसू आपके किसी भी परिस्थिति में, तो किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ना चलोगे हर गांव के छुटा के भाग जाए। ऐसे चलो, साफ सुथरा काम करो। अरे परमादरणीय सम्मानी बड़े भैया, जिनका अथक प्रयास और जिनके माध्यम से हमें यहां आने तक का मौका मिला, बड़े भाई श्री पवन वाजपेयी जी, बिल्कुल आपके कर कमलों से ये 101 प्रपद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बढ़िया जवाब दिया बहन जी ने, और क्यों ना बढ़िया हो, बिल्कुल, क्योंकि वाकई कीर्तन क्षेत्र में आपने तो अपनी अलग पहचान बनाई है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, बिल्कुल दादा श्री जो रचनाकार है, इनका भी यूपी से लेके एमपी तक जोड़ नहीं है। वाकई वाकई जोड़ नहीं है दादा का, बढ़िया बात है। एक बात मुझे दुख दे गई, एक बात दुख दे गई, बहन जी ने कहा, बहन जी ने कहा हाँ कि वो तो सुरसा थी, सुरसा सुरसा आया नहीं आई होनी चाहिए। जब मैंने सोचा कि मैं उसको नोट करूं, तब तक बहन जी ने बता दिया परेशान मत, हम तुमको डरा रहे थे। सुरसा वहां डराए थी, ये यहां डरा रहे हैं। आप लोग डरने वाले हैं नहीं बहन जी, आप बड़ी बहन हैं, और अगर आप गवाएंगी तभी हम लोग गाएंगे, और अगर आप डराएंगी तो हम लोग चले जाएंगे। मैं आपका छोटा भाई हूं, करबद्ध निवेदन है, कृपया डराए मत, क्योंकि सर्दी जुखाम तो पहले से है, और अगर बुखार आ गया तब तो रात भर आपको अकेले गाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर आवाज। आइए पैंतीस मिनट मिले हैं, असली कीर्तन कुछ कलाकार ही ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर पता चलता है असली कीर्तन है क्या। और वाकई कोई फालतू की बात ना करते हुए आपने चक्र को बिल्कुल बढ़िया से निपटाया है। मेरी शुभकामनाएं और परमात्मा से दुआ है, बिल्कुल आपको हमेशा यूं ही अग्रसर रखे। आइए प्रयास कर रहा हूं, आपकी ओर से एक बहुत सुंदर सी धुन आई है और गीत बजा है, कौन सा? अंग लगा ले रे, अंग लगा ले रे, जो अंग लगा ले, अंग लगा ले रे, जो संग लगा ले, मैं तो तेरी जोगनिया, मुझे अंग लगा ले। रंग लगा ले रे, मैं तो तेरी जोगनिया, रंग लगा ले रे।
कब जाना है ये कौन जानता है, अरे किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। चंद लम्हे हैं जिंदगी के, चलो मिल जुल कर हंसी खुशी बिता ले, क्योंकि किस वक्त बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। लगा ले रे मुझे लंगे लगा ले रे, अरे तो तेरी संग लगा ले ओ परमादरणीय दादा श्री बीनू वाजपेयी जी, आपके कर कमलों से पुनः आशीर्वाद स्वरूप मुझ बच्चे को 101 प्रबंध मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इतने व्यस्त होते हुए भी जहां तक मैं जानता हूं अगर दुकान पे पहुंचे तो बात करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। इतनी व्यस्तता में अगर हम बच्चों के लिए समय निकाला तो हमारा परम सौभाग्य है। बिल्कुल, बात आई मुरली ने कहा आए कन्हैया अगर तुम हमको हमेशा के लिए साथ नहीं रख सकते तो दोपहर लगा ले रे, दोपहर एक अर्थ या तो पहर लगा ले रे, और अरे मांगू वर मेरे प्रियवर आधर लगा ले रे। बहन जी मैंने सोचा कि मैं मोर पंख से जवाब ले आऊं, बहन जी ने बता दिया। मैंने सोचा चक्र गदा शंख सब चला गया, अब जब चला गया आइए प्रयास देखिएगा। बिल्कुल, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि अगर कुछ बच जाता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। अब सारी चीजें तो खत्म, और जो नहीं मालूम मुझे वहां तक मैं पहुंचा नहीं, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा जब इन सब लोगों ने सवाल किया कि कन्हैया हर समय ना सही तो पहर लगा ले रे, तो पहर लगा ले रे, तो कन्हैया ने क्या कहा, कन्हैया ने कहा अरे तेरी खातिर और मुरलिया दादा दोपहर और इधर दोपहर प्रयास तेरी खातिर और मुरलिया हुआ आगमन है, ये तब का वादा। तेरी खातिर ओरी मुरलिया हुआ आगमन है, आगमन मेरा तेरे लिए हुआ है, और संग मिला मेरा फिर भी क्यों आज आगमन है। तेरा मन अग्नि में क्यों जल रहा है, अरे मैं आ गया हूं तो सुन, अरे हर पहर लगाऊंगा दादा श्री। मालूम है आपको ये वो वादा पूरा करने के लिए कन्हैया ने कहा अब तेरा आगमन क्यों है, तेरे मन में आग क्यों जल रही है, क्योंकि मेरा आगमन तो हो गया और मुझसे तुझे जुदा करने वाला असंभव, क्योंकि इनका कुछ ऐसा नाता है आदिकाल से। वो कथा तो बहुत लंबी है। बिल्कुल, लेकिन कन्हैया ने कहा ऐ मुरलिया हर पहर लगाऊंगा तुझे अधर सजाऊंगा, लेख भी मिलता है
सिबासर दिनवा दोपहर वी धरत न कबहू छोरी। भैया हर पहर लगाऊंगा तुझे आधर लगाऊंगा और चाहे जो रानी जले चाहे चिड़े हर पहर लगाऊंगा तुझे आधर लगाऊंगा और धरू न कबहू छोरी मैं आठों पहर बजाऊंगा थरू न कबहू छोरी मैं आठों पहर बजाऊंगा मैं आठों पहर बजाऊंगा। बोलिए कन्हैया लाल की।